मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास. दिस इज़ द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ स्टैंडर्ड 7. सो आज का हमारा जो एक्सरसाइज है दैट इज़ एक्सरसाइज 13.2. ओके, यहाँ पर हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोइंग टू डिस्कस द सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द ट्राइंगल. ओके, सपोज दैट दिस इज़ अ ट्राइंगल. आपको पता है किसके तीनों, लेट्स स्टार्ट द ओके, ये ट्रायंगल है. ठीक है, ए बी सी, इसका नाम हमने रख दिया ए बी सी. आपको पता है इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180. अगर हम इसकी एक साइड को आगे बढ़ाते हैं, मान लीजिए हमने इसकी एक साइड को आगे बढ़ाया, तो ये आपका जो ये बन गया डी, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा. ठीक है, ये इंटीरियर है और एक्सटीरियर एंगल है. तो थ्योरम है कि एक्सटीरियर एंगल का सम अपने अपोजिट के दोनों एंगल्स के सम, इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है. बात समझिएगा, क्या कह रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल है, यानी ये वाला एंगल है, ये अपने अपोजिट के दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा. ठीक है, अगर ये आप समझिए कि अगर यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर 30 दिया हुआ है और यहाँ पर 20 दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 30 + 20 यानी कि 50 डिग्री हो जाएगा. क्लियर, यानी कि कोई भी ट्रायंगल है अगर उससे उसकी साइड्स को आगे बढ़ा करके आप एक एक्सटीरियर एंगल को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट के एंगल्स के सम के इक्वल होगा. ठीक है ना, अब अगर आप सोचिए कि आपने ये वाला एंगल बढ़ा दिया, तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, ये वाला होगा और ये वाला. अगर आपने इस लाइन को आगे बढ़ाया, तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, ये. मतलब उस एंगल के अकॉर्डिंग उसका जो इंटीरियर अपोजिट एंगल होंगे दोनों, उसके सम के इक्वल होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना. यहाँ पर आप सिलेबस देखें, सॉरी क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एंगल एक्स, एंगल 17 और एंगल 120. आपसे पूछा है एंगल 1 की वैल्यू, तो आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट के दोनों सम के बराबर होते हैं, यानी कि 120 जो इक्वल होगा वो 70 प्लस एक्स होगा. तो 120 माइनस 70, ये एक्स, ये वैल्यू उधर चली जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 50 आपका आंसर आ जाएगा. ओके, सो देखिए यहाँ पर मैंने इसको लिख करके सॉल्व भी किया हुआ है और आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे. ये है एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये आपका क्या है, थ्योरम है. तो इस तरह से आपको एंगल्स के नेम लिखने हैं और उसके बाद उसको क्या करना है, सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक एक्सटीरियर एंगल आपका 30 डिग्री है. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का सम, और कह रहा है कि उसका जो अपोजिट एंगल है वो 30 डिग्री, उसमें से कोई एक 30 डिग्री है तो दूसरा वाला आपको फाइंड करना है. तो आप इस तरह से डायग्राम क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे. फिर उसने पूछा कि सारे ट्रायंगल का सम बताइए, ये तो 80 हो गया, ये 30 हो गया, इसको आपने फाइंड कर लिया, ये कितना हो गया, 50 हो गया. अब ये 30 हो गया, ये 50 हो गया, तो ये वाला आप क्या करेंगे, 180 वाला, जो आपको पहले से पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, फिर वहाँ से आप निकाल लेंगे. अब ये जो आगे 100, अब आपको इसको देखना है कि ये ऑब्ट्यूस एंगल है कि एक्यूट एंगल है कि राइट एंगल है, इस तरह से आपको देखना है. तो आपको पता है कि राइट एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल. तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, सारे क्वेश्चंस इजी हैं. जहाँ पर रेशियो आता है, मैंने आपको बताया कि आप उसमें एक्स को पुट करके आप उस तरह से उसका आंसर निकालेंगे. सारे ही क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने बताए हुए हैं, जैसे आप यहाँ पर देखो, है ना, इसमें अगर आप देखिए तो आप कैसे वैल्यू निकालेंगे, एक सेकेंड, ये आपका क्वेश्चन आ गया. तो आप इसको कैसे करेंगे, ये 40 है, ये 50 है, तो पहले ये वाला एंगल फाइंड करेंगे. ठीक है, जब ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे तो ये 180 है, आप इसको फाइंड कर लेंगे. जब ये भी फाइंड है, ये भी फाइंड है, तो आप ये वाला इजी से क्वेश्चन को देखना है और उसको बहुत ही इजी वे में क्या करना है, आंसर उसका निकालना. देखिए ये राइट एंगल है, यानी ये 90 डिग्री का हो जाएगा. तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को देख करके और उसमें जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई, जितने थ्योरम्स बताए गए हैं, जितनी प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं, उन सारों को इंक्लूड करके क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है. सो हम नेक्स्ट क्लास में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे.